एक बार रात से ही जोरदार वर्षा हो रही थी। भीगते हुए ही भाई अमरदास अपने नियम के अनुसार व्यास नदी पर पहुंचे और गागर में जल भरकर वापस लौट पड़े। रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ हो रहा था और फिसलन भी थी, लेकिन भाई अमरदास का ध्यान उसकी ओर नहीं था। वे तो अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। जिस समय वे गांव में एक जुलाही के घर के पास पहुंचे, उनका पैर फिसल गया और वे धड़ाम से कीचड़ में गिरे, लेकिन उन्होंने गागर का एक बूंद पानी भी नहीं छलकने दिया। गागर को उन्होंने अपने हाथों में संभाले रखा। वे धीरे से उठने लगे, तभी उन्हें जुलाही के घर से आती आवाज सुनाई दी। जुलाहा अपनी पत्नी से पूछ रहा था, जरा देखो तो बाहर कौन गिरा है, इतने मुंह अंधेरे और कौन होगा, वही अमरू निथावा होगा, वह अपने समधी के टुकड़ों पर अपना जीवन काट रहा है। जुलाहे की पत्नी भिन्नाती हुई सी बोली। भाई अमरदास ने जुलाहे की पत्नी की बात अनसुनी कर दी और वे उठकर गुरु के घर की ओर चल दिए। गुरु अंगद देव जी ने उनके लाए हुए जल से स्नान किया और वस्त्र धारण करते हुए भाई अमरदास से पूछने लगे, भाई अमरदास, जब तुम जल भरकर व्यास नदी से लौट रहे थे, तब तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था क्या? नहीं गुरुजी, कोई खास बात तो नहीं हुई, भाई अमरदास ने सहज भाव से उत्तर दिया। रास्ते में कीचड़ बहुत था, मैं जुलाहे के घर के पास फिसल कर गिर पड़ा था, परंतु गागर का पानी मैंने जरा भी नहीं छलकने दिया। इसके अलावा और कोई बात नहीं, इसके अलावा और कोई बात नहीं क्या? नहीं गुरुजी, और तो कोई बात नहीं हुई, केवल जुलाहे की पत्नी अपने पति से कह रही थी कि बाहर गिरने वाला अमरू होगा, जिसका इस संसार में अपना कोई नहीं है, वह बेसहारा है। भाई अमरदास ने गुरु अंगद देव की ओर देखा। अब आप ही बताइए गुरुजी, मैं बेसहारा कैसे हूं? आपका सहारा मुझे है, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, फिर मैं बेसहारा क्यों करूं? भाई अमरदास की तर्कपूर्ण और सहज उक्ति सुनकर गुरु अंगद देव जी मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई अमरदास, तुम बेसहारा नहीं हो, तुम तो बेसहारा लोगों के भी सहारा हो। तू निथानिया दा थान, निमानिया दा मान, निगतिया दी गति, निपतिया दा पति, निधियों दा पीर, नियासरिया दा आसरा, तू सब दा स्वामी, अर्थात तू तो उनका भी स्थान है जिनका कोई स्थान नहीं, तो उन सभी गिरे हुए दीनहीन लोगों का मान है जिनके जीवन में कहीं भी गति नहीं है और असहाय होकर जड़ बनकर रह गए हैं, तो उनकी गति है, तो उनकी इज्जत है जिन्हें लोगों ने बेइज्जत किया है, तो उन सभी निधियों अर्थात
उन सभी रिद्धि सिद्धियों तथा धन वैभव का पीर है, रक्षक है, ज्ञाता है, तो उन सभी लोगों का सहारा है जो असहाय और बेसहारा है, फिर तो बेसहारा कैसे हो सकता है। गुरु अंगद देव जी के स्नेह भरे वचनों को सुनकर भाई अमरदास जी का हृदय गदगद हो उठा। वे अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु अंगद देव जी ने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि अपने बाद अपनी गुरु गद्दी वे भाई अमरदास को ही देंगे। भाई अमरदास जी के जीवन में कटाक्ष करने वाले के प्रति भी फरियाद न थी, थी तो केवल गुरु के प्रति अखूट श्रद्धा। उन्होंने अपने श्रद्धा का गागर नहीं छलकने दिया, कटाक्ष सुनकर भी।